प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी के पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर में समर्पित रहें। जिस तरह एक सैमुअल की पुस्तक अध्याय 7 की 5 आयत में लिखा है, फिर सैमुअल ने कहा, सब इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि सैमुअल ने सभी इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा किया ताकि वह अपने दुश्मनों पर जीत प्राप्त कर सके, क्योंकि उनके दुश्मन उन पर भारी पड़ते थे। इसलिए सब इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, तो आपके अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित करना पड़ेगा। अगर आप यह सोचते हैं कि मेरा वीजा नहीं लगेगा तो मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, अगर परमेश्वर ने मेरा यह काम नहीं किया तो मैं चर्च जाना छोड़ दूंगा, तो इसका मतलब आप अपनी निगाहों में जीवित हैं और आपने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं किया है। जरा सोचे कि अब्राहम लोगों को बोलता होगा कि पाप मत करो, परमेश्वर के वचनों पर चलो, व्यभिचार में मत पड़ो, तो लोग उसको बोलते होंगे कि तेरे अपने बच्चे कहाँ हैं, तू हमें तो परमेश्वर की आशीषों के बारे में बता रहा है पर तू खुद तो आशीषित है ही नहीं। अब्राहम भी ऐसा बोल सकता था कि परमेश्वर अपने मेरे घर में अभी तक कोई संतान नहीं दी है, मैं आपके कामों को तभी करूँगा जब आप मुझे बच्चा देंगे। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को सुना। ऐसा वही कर सकता है जिसने अपने आप को परमेश्वर में पूरी तरह समर्पित किया हो। आज लोग चर्च तो आते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता तो मान लिया है, लेकिन जब वे चर्च आते हैं तो एक शर्त के साथ आते हैं कि पहले प्रभु मेरे जीवन में गवाही दे, तब मैं लोगों को आपका सुसमाचार बताऊंगा। उनके दिमाग में अभी भी लोगों का ध्यान है, क्योंकि वह अभी भी अपने आप में जीवित है और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं किया है। जो व्यक्ति मिस्पा में आ चुका है, यानी अपने पापों को छोड़ चुका है, अपने आप में मर चुका है और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर चुका है, तो उसे कोई मतलब नहीं है कि उसके घर में क्या चल रहा है। वह जो वचन से सुनता है और जो परमेश्वर उससे करने के लिए कहता है वह वही करता है। बाइबल पढ़ता है और लोगों को बताता है कि आपको परमेश्वर की जरूरत है। यह वह लोग हैं जो अब्राहम की तरह परमेश्वर के वचनों पर विश्वास से चलते हैं, जिनका ध्यान परमेश्वर पर लगा होता है। अगर आप मिस्पा में हैं और आप अब्राहम की तरह परमेश्वर में चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको भी अब्राहम की तरह आशीषित करेंगे। आमेन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर करें ताकि मैं आपके वचनों पर चल सकूँ और आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करें। आमीन।